आज इस वीडियो में हम लेवल 2 शुरू करेंगे और लेवल 2 में हम 5's कॉम्प्लीमेंट्स करेंगे। अब 5 कॉम्प्लीमेंट्स होता क्या है तो आपको बता दूं, पिछले लेवल में लेवल 1 में हमने विदाउट कॉम्प्लीमेंट्स किया था और मैंने आपको समझाया था कि विदाउट कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब है जो बीड्स अवेलेबल हैं सिर्फ उन्हीं बीड्स को हम यूज़ करके आंसर लेकर के आएंगे, और 5's कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब है जो बीड्स अवेलेबल नहीं भी हैं डायरेक्टली हम उन सम्स को भी सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों मैं अब यहाँ पर सबसे पहले एक कंडीशन बनाऊंगा, उस कंडीशन के थ्रू आप समझ पाएंगे कि 5's कॉम्प्लीमेंट्स है क्या। तो एबेकस टूल पर वंस रॉड पे मैं 4 बनाऊंगा सबसे पहले। दोस्तों 4 मैंने बना दिया क्योंकि 4 डायरेक्टली अवेलेबल है और मैंने उसे 4 बना दिया। दोस्तों क्या इस 4 में हम 1 ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते क्योंकि नीचे एक बीट अवेलेबल है ही नहीं। क्या 2 ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते क्योंकि नीचे 2 बीट्स अवेलेबल है ही नहीं। 3 नहीं कर सकते, 4 भी नहीं कर सकते क्योंकि 4 बीट्स अवेलेबल है ही नहीं। क्या 5 कर सकते हैं? जी हाँ, 5 हमारे पास डायरेक्टली अवेलेबल है तो हम 5 ऐड कर सकते हैं। पर 5's कॉम्प्लीमेंट्स के अंदर अगर आप इस 4 में 1, 2, 3, 4 ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर पाएंगे। अब कैसे कर पाएंगे वो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो दोस्तों अगर हमें इस 4 में 1 ऐड करना है, 2, 3 या 4 ऐड करना है तो उसके लिए हमारे पास उसके कॉम्प्लीमेंट्स हैं। इसे ये एक तरीके के फॉर्मूलाज हैं, तो वो फॉर्मूलाज मैं इस बोर्ड पर अब लिखूंगा और आपको भी साथ के साथ वो फॉर्मूलाज को नोट डाउन करते रहना है। सबसे पहले देख लेते हैं कि हम 1 ऐड नहीं कर पा रहे तो 1 ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा। 1 ऐड करने के लिए हमें +5 -4 करना होगा, +2 करने के लिए हमें +5 -3 करना होगा, +3 करने के लिए हमें +5 -2 करना होगा, और +4 करने के लिए हमें +5 -1 करना होगा। दोस्तों हमें एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी दोनों में ही ये प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं इन 4 बीट्स में मैं 1, 2, 3, 4 ऐड नहीं कर सकता था विदाउट कॉम्प्लीमेंट्स में, पर अब हम कर सकते हैं। 1 ऐड करने के लिए एक फॉर्मूला मिल गया, 2 ऐड करने के लिए भी, 3 के लिए भी और 4 के लिए भी। तो यानी हम कोई भी एडिशन अब परफॉर्म कर पाएंगे चाहे बीट्स डायरेक्ट अवेलेबल हों या ना हों, क्योंकि हमारे पास 5 कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला है। अब दोस्तों ये तो थी बात एडिशन की, हमें सब्ट्रैक्शन में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। एक एग्जांपल देके बताता हूँ आपको। मैं 5 ड्रॉ कर देता हूँ। दोस्तों मैंने बना दिया 5। इस 5 में क्या आप 1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि 1 बीड अवेलेबल है ही नहीं सब्ट्रैक्ट करने के लिए। क्या 2 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि 2 बीड्स है ही नहीं, 3 भी अवेलेबल नहीं है और 4 बीड्स भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि लोअर बीड्स लोअर साइड पर ही हैं। पर क्या मैं 5 कर सकता हूँ सब्ट्रैक्ट? जी हाँ, 5 मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ क्योंकि वो डायरेक्टली अवेलेबल है। तो 1, 2, 3, 4 जैसी डिजिट्स को इस 5 में सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम माइनस के लिए भी कुछ फॉर्मूले सीखेंगे। एडिशन में प्रॉब्लम आ जाए तो हमने सीख लिए, और सब्ट्रैक्शन में अगर प्रॉब्लम आ जाए तो वो भी सीखेंगे। तो सब्ट्रैक्शन का मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। +1 के लिए +5 -4 था, और -1 के लिए हम +4 -5 लिखेंगे, -2 के लिए हम +3 -5 लिखेंगे,
माइनस थ्री के लिए हम प्लस टू माइनस फाइव लिखेंगे और माइनस फोर के लिए हम प्लस वन माइनस फाइव लिखेंगे। तो दोस्तों ये है वो फॉर्मूलाज जिनसे हम इन एडिशन सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, अगर भीड़ अवेलेबल ना हो तब भी। दोस्तों मैंने फिर से साफ हैंडराइटिंग में ये कॉम्प्लीमेंट्स लिख दिए हैं ताकि मैं यहाँ पर सम्स लिखता जाऊँ और यहाँ पर हम सम सॉल्व करते जाएं। एक सम ले लेते हैं, पहले मैं सम नहीं लेता, पहले हम उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करके एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इन कॉम्प्लीमेंट्स का यूज़ करेंगे, और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनको याद करना और बच्चों को याद करवाना कितना इजी है। ऐसा नहीं है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे या फिर बच्चे इसे याद ही नहीं कर पाएंगे, बच्चे इसे बहुत इजीली याद कर पाएंगे, और उसके लिए मैं आपको एक तरीका बता दूंगा। तो उसी कंडीशन की तरफ दोबारा लौट चलते हैं और बना देते हैं फोर। तो इस फोर में हम वन ऐड करने की कोशिश करेंगे। विदाउट कॉम्प्लीमेंट्स के थ्रू तो वन टू थ्री फोर ऐड हो नहीं सकता, पर फाइव ऐड हो सकता है। अब वन टू थ्री फोर ऐड करने के लिए हम ये कॉम्प्लीमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे और आंसर्स लेकर आएंगे। तो दोस्तों ये है फोर और हम अब इसमें वन ऐड करेंगे। वन ऐड करने के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है प्लस फाइव माइनस फोर। प्लस फाइव करेंगे दोस्तों और माइनस कर देंगे फोर, तो फोर प्लस वन का आंसर होता है फाइव और फाइव आंसर आ गया। क्लियर कर देता हूं मैं बीड। अब मैं इस बीड पर दोबारा से फोर बना देता हूं। इस फोर में हम टू ऐड करेंगे, टू बीड्स अवेलेबल नहीं है पर हम फाइव कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करेंगे प्लस टू करने के लिए। प्लस फाइव माइनस थ्री का यूज करेंगे, तो लगा देते हैं ये कॉम्प्लीमेंट प्लस टू करने के लिए। प्लस फाइव माइनस थ्री, प्लस फाइव माइनस थ्री। दोस्तों फोर प्लस टू का एडिशन होता है सिक्स और सिक्स आंसर आ गया है। इसी तरह थ्री भी ऐड करके देखेंगे। बना देता हूं मैं फोर। थ्री ऐड करने के लिए हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है प्लस फाइव माइनस टू, प्लस फाइव माइनस टू। तो दोस्तों फोर प्लस थ्री का एडिशन होता है सेवन और सेवन आंसर आ गया है। क्लियर कर देता हूं मैं, बना देता हूं फिर से फोर। इस फोर में फोर ऐड करेंगे, प्लस फाइव माइनस वन अप्लाई कर देते हैं, प्लस फाइव माइनस वन। तो दोस्तों फोर प्लस फोर का एडिशन होता है एट जो कि रॉड्स पर आ चुका है। इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी करने की कोशिश करते हैं हम। मैं यहां फाइव बना देता हूं और इसमें वन सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। वन सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है प्लस फोर माइनस फाइव, प्लस फोर माइनस फाइव। तो दोस्तों फाइव माइनस वन फोर होता है और फोर आंसर आ चुका है। दोबारा क्लियर कर देते हैं और फाइव बना देते हैं रोड पे। इसमें हम टू सब्ट्रैक्ट करेंगे। टू सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है प्लस थ्री माइनस फाइव, प्लस थ्री माइनस फाइव कर देंगे। तो दोस्तों फाइव माइनस टू थ्री होता है जो कि एबेकस टूल पर हमारा आ चुका है। दोबारा से बना दूंगा फाइव और इसमें मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा थ्री। तो सब्ट्रैक्ट थ्री करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है प्लस टू माइनस फाइव, तो प्लस टू माइनस फाइव कर देते हैं और फाइव माइनस थ्री टू होता है, तो आंसर हमारा टू आ चुका है। लास्ट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। बना दिया मैंने फाइव, माइनस फोर करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे प्लस वन माइनस फाइव, प्लस वन माइनस फाइव। दोस्तों फाइव माइनस फोर वन होता है और वन आंसर आ गया है। आपको मैं थोड़ा फिंगर मूवमेंट की भी नॉलेज देना चाहूंगा। जब भी हम लोअर बीट्स को एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आप इसे एडिशन थंब से और सब्ट्रैक्ट इंडेक्स फिंगर से कर दीजिए, जो कि लाजमी सी बात है, जब बच्चा एबेकस टूल पे करेगा तो थंब और फिंगर ही यूज़ कर पाएगा, और जो अपर बीड है उसको इंडेक्स फिंगर से और
इंडेक्स फिंगर से ही एडिशन और इंडेक्स फिंगर से ही सब्ट्रैक्शन उसका करेंगे, पर ज़रूरी नहीं है। अगर बच्चा इन फिंगर मूवमेंट्स के बियॉन्ड जाकर के भी आंसर्स लेकर आ रहा है और वो उस पर कंफर्टेबल है, तो आपको उसको फोर्स नहीं करना है कि थंब और इंडेक्स फिंगर ही वो यूज़ करें, क्योंकि बच्चे अपने कॉन्सेप्ट में इतने बिजी हो जाते हैं अपनी प्रैक्टिस में, उन्हें पता ही नहीं लगता। कभी कभी वो जहाँ पर थंब यूज़ करना होता है इंडेक्स फिंगर भी यूज़ कर देते हैं, जहाँ इंडेक्स फिंगर यूज़ करनी होती है थंब यूज़ कर देते हैं, पर वो आंसर सही ला रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि एबेकस टूल वो अच्छे से विजुलाइज कर पा रहे हैं। तो हमें उन्हें फोर्सफुली फिंगर्स में कन्फ्यूज़ नहीं करना है, हमें उन्हें करने देना है। हमें उनको बताना है कि लोअर बीट जो है जब ऐड होती हैं थंब से होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं तो इंडेक्स फिंगर से होती हैं, और अपर बीट जो होती है वो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो वो इंडेक्स फिंगर से ही करनी है। और जब 5 से बड़े डिजिट 6, 7, 8, 9 करें तो हम इस तरीके से पिंच इन और पिंच आउट का यूज़ कर सकते हैं, +6, -6। इसका रीज़न क्या है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। अगर बच्चा 8 बनाता है और 8 ऐसे बनाता है 5, 6, 7, 8, तो 8 बनाने के लिए वो 3 बार इमेज बनाएगा, जबकि वो पिंच इन मेथड के थ्रू एक ही बारी में वो इमेज बना सकता है। सिर्फ उसे करना सिर्फ पिंच इन है। इस टूल पर तो ये पॉसिबल नहीं है, पर बच्चे को तो एबेकस टूल, स्टूडेंट एबेकस टूल पर ही करना है, तो उस पर ईजिली वो कर पाता है। +8, -8। फिर भी मैं रिपीटेडली आपको ये कह रहा हूँ, अगर बच्चा इन मोमेंट्स को यूज़ नहीं कर रहा पर वो सही आंसर लेकर आ रहा है और वो एबेकस टूल को मेंटली इमेजिन करके सम्स निकाल पा रहा है, तो उसे कन्फ्यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो एबेकस वो उसने सीखा है वो भी भूल जाएगा। दोस्तों एक 2 रोज का सम ले लेते हैं, 2+3। 2+3 करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम 2 बनाएंगे, 3 बीट्स तो अवेलेबल है नहीं, और हम सीख चुके हैं +3 कैसे करते हैं, +5, -2। तो दोस्तों +5, -2 कर दूंगा मैं, तो मेरा आंसर आ गया 5। आंसर लिख देते हैं 5। एक और सम ले लेते हैं, 8-4। दोस्तों 8-4 करने के लिए सबसे पहले हम 8 बनाएंगे, -4 करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, +1, -5, +1, -5। तो दोस्तों आंसर आ गया 4, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। एक और सम ले लेते हैं जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही कॉम्प्लीमेंट लगाना पड़े, 2+3-4। क्लियर कर देते हैं, 2 बनाने के लिए डायरेक्ट, +3 करने के लिए दोस्तों हमें कॉम्प्लीमेंट लगाना है +5, -2, और अब सब्ट्रैक्ट करना है हमें 4। 4 सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम करेंगे +1, -5। आंसर आ गया 1। तो दोस्तों एक चीज और आपने ऑब्जर्व करी होगी, जब भी हम प्लस परफॉर्म कर रहेंगे तो हमें डाउन और डाउन करना पड़ेगा, और जब भी हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तब हमें अप अप करना होगा। कहने का मतलब ये है, एक सम के द्वारा हम समझते हैं, इनफैक्ट 2 सम्स लिख देता हूं मैं। एक सम में प्लस के कॉम्प्लीमेंट को इन्वॉल्व करेंगे, एक सम में हम माइनस के सम को इन्वॉल्व करेंगे। 4+3, 6-3। दोस्तों 4+3 करने के लिए हम 4 बनाएंगे और 3 ऐड करने के लिए +5, -2 करेंगे। +5, -2 जब हम करेंगे, +5, -2, +5, -2, +5, -2, +5, -2, मतलब डाउन डाउन, +5, -2 का मतलब है 5 डाउन 2 डाउन। तो इसे आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, डाउन डाउन।
क्लियर कर देते हैं, ले लेते हैं एक और सम, बना देते हैं 6. इस 6 में हमें 3 सब्ट्रैक्ट करना है. 3 सब्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास, +2 -5, +2 -5, मतलब 2 up 5 up. तो कर देते हैं 2 up 5 up, यानी कि up. जब भी हम +5 का कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे तो हम डाउन डाउन करेंगे, और जब भी हम -5 का कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे तो अप अप करेंगे. तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ एडिशन सब्ट्रैक्शन में अब आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्स हमने सीख लिए हैं. पर बच्चे इस कॉम्प्लीमेंट्स को ईजिली कैसे याद कर पाएंगे, उसके लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ. दोस्तों, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, 1 के केस में 4 ही डील कर रहा है, 1 के केस में 4 ही डील करेगा, और सब्ट्रैक्शन में भी 4 ही डील कर रहा है. सारे फॉर्मूलाज में आप देख सकते हैं, 2 के केस में 3, 3 के केस में 2, 4 के केस में 1. बच्चे शुरुआत में अगर इसे याद ना कर पाए तो आप बच्चों को इस तरह करवा सकते हैं, ये एक हैंड बच्चे का यूज़ करवा सकते हैं, इन केस अगर बच्चा भूल जाए तो. जैसा कि आप देख सकते हैं, 5 कॉम्प्लीमेंट्स को 5 फ्रेंड्स भी बोला जाता है, और इसे स्मॉल फ्रेंड्स भी बोला जाता है. स्मॉल फ्रेंड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो मैं आपको टेक्निक बताने जा रहा हूँ, इसमें हम फ्रेंड्स के थ्रू बच्चों को समझाएंगे ताकि उन्हें और अच्छे से समझ आ जाए, जल्दी समझ आ जाए. एक फिस्ट बना लेंगे, मुट्ठी बना लेंगे, बनाएंगे 1. दोस्तों, जब मैं 1 बना रहा हूँ तो कितनी फिंगर्स डाउन है? 4. तो 1 का फ्रेंड हो गया 4. जब मैं 2 बना रहा हूँ तो कितनी फिंगर्स डाउन है? 3. तो 2 का फ्रेंड हो गया 3. जब मैं 3 बना रहा हूँ तो 2 डाउन है, तो 3 का फ्रेंड हो गया 2, और 4 का फ्रेंड हो गया 1. तो 1 का फ्रेंड 4, 2 का फ्रेंड 3, 3 का फ्रेंड 2, 4 का फ्रेंड 1. इस तरीके से भी आप बच्चों को समझा सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में बच्चे छोटे हैं, वो भूल भी सकते हैं. बच्चे भूले ना तो ये एक्टिविटी उन्हें हमेशा याद दिलाएगी. अगर वो भूल जाएं कि 1 के केस में किस फ्रेंड को यूज़ करना है, 2 के केस में किस फ्रेंड को यूज़ करना है, अगर वो भूल जाते हैं तो अपनी मुट्ठी बना करके वो उसे याद कर सकते हैं. 1 के केस में 4, 1 का फ्रेंड 4, 2 का फ्रेंड 3, 3 का फ्रेंड 2, 4 का फ्रेंड 1. तो इस तरीके से आप बच्चों को ये फ्रेंड्स लर्न करवा सकते हैं. तो दोस्तों, आपका सबसे पहला काम है बच्चों को ये कॉम्प्लीमेंट्स लर्न करवाना. आप बच्चों को बार बार इन कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में पूछें, फ्रेंड्स के बारे में बताएं, और उनसे ओरली इनके आंसर्स पूछें. जैसे कि +1 बच्चा बताए, +1 के लिए +5 -4, +2 के लिए +5 -3, -4 +1 -5, -3 +2 -5. जब बच्चा इन कॉम्प्लीमेंट्स को लर्न कर लेगा, उसे अच्छे से याद हो जाएंगे, तो इन सम्स को परफॉर्म करना अबेकस टूल पर और मेंटली उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा. इस वीडियो में मैंने आपको 5's कॉम्प्लीमेंट्स के फॉर्मूलास बताए और बताया किस तरीके से ये फ्रेंड्स यूज़ करने हैं. अगले वीडियो में मैं आपको 5's कॉम्प्लीमेंट्स बेस्ड 2 रोज के सम्स करवाऊँगा. तब तक उम्मीद करता हूँ आप ये कॉम्प्लीमेंट्स लर्न कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपको सम्स करवाऊँ वो आप अच्छे से कर पाएँ. और दोस्तों, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ.